हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन ग्रेट ब्रिटेन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको 3 से 5 क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम जो भी टॉपिक्स आएंगे वो आई विल डिस्कस लेटर, बट इसमें ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको सेकेंड पार्ट में, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दिस इज दी समथिंग कॉल्ड एज इंडेक्स, ये इंडेक्स है, तो जिसमें कि आज पार्ट वन में हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम ये वाला जिसमें मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में बात होगी, और ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि एक इकलौती सेंट्रल फेडरेशन थी ग्रेट ब्रिटेन ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 4 डिफरेंट पीरियड्स में इसको डिफाइन किया है, जितनी भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट रही है ग्रेट ब्रिटेन की। कुछ एक पीरियड है 1830 से पहले वाला जो पीरियड है उसको अर्लीस्ट के नाम से बोला जाता है। 1830 से जो 49 के बीच का जो पीरियड है उसको ट्रेड्स यूनियनिज्म वर्सेस ट्रेड यूनियनिज्म के नाम से बोला जाता है, और 1850 से 79 के बीच का जो है उसको न्यू मॉडल यूनियनिज्म के नाम से जाना जाता है, एंड द 1880 से 1899 के पीरियड का जो पीरियड है उसको न्यू यूनियनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो आपको कौन से पीरियड को किस नाम से जाना जाता है ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो हर एक पीरियड को हम अभी डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, और सेकेंड पार्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट पीरियड, जिसका नाम है अर्ली ईयर्स, जो कि 1830 के पहले वाला जो टाइम रहा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्या उसके मेन फीचर्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो दिस देयर आर द सम फीचर्स या मेन फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड यूनियन मूवमेंट। 1830 से पहले जो मूवमेंट रहा उसके कुछ मेन फीचर्स, तो ये फीचर्स देखने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, जहाँ से आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो चलते हैं वाइट स्क्रीन के ऊपर। देखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फैक्ट्री सिस्टम क्या होता है, फैक्ट्री सिस्टम क्या होता है, या फिर इसको आप एक और नाम से बुला सकते हैं जिसका नाम है कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है? तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा कि जहाँ पे बहुत कुछ फ्यू पर्सन के पास, जिनके पास बहुत ज़्यादा अपनी वेल्थ होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है जिनके पास, उनकी कुछ अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, देयर ओन प्रॉपर्टी और ओन फैक्ट्रीज उनकी होती हैं, ठीक है, कुछ ही लोगों के पास होता है ऐसा। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं, जो उनके मतलब प्रोप्राइटरी है, वो कुछ लोगों के पास होती है, उसको बोलते हैं फैक्ट्री सिस्टम, ठीक है? मतलब इट इज़ अपोजिट टू द सोशलिज्म, जहाँ पे कि हर किसी के पास उसकी एबिलिटी के हिसाब से अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ ये उसके बिल्कुल अपोजिट है कि बहुत कम फैक्ट्रीज होंगी, और जितनी होंगी वो उनकी होंगी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम या फैक्ट्री सिस्टम, ठीक है? तो पहले तो ये चलता था फैक्ट्री सिस्टम आपका, ठीक है? अब क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, 1760s की बात है ये, जब 1760 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, दैट मीन्स कि जब बहुत सारी न्यू इंडस्ट्रीज बनने लगी और बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बढ़ने लगा, तो ऑब्वियस ही बात है जब नई इंडस्ट्रीज बनेंगी तो नए वर्कर्स आएंगे वहाँ पे, है ना? और जब नए वर्कर्स आएंगे तो उनकी नई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, ओके, नई डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी। तब हुआ क्या, जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, नई इंडस्ट्रीज बनी, वहाँ पे कुछ नए वर्कर्स ने काम करना स्टार्ट किया, जो कि बिल्कुल मतलब गरीब थे, होमलेस जिसको हम बोल सकते हैं, तो उनकी एक अपनी डिफरेंट तरह की क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बनी। तो उस टाइम जो रूलिंग यूनियंस थी, एसोसिएशंस थी, उनका और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, बिकॉज ये दोनों जो है वो डिफरेंट नेचर की थी, जिसकी वजह से रूलिंग यूनियंस ने इनके ऊपर सुप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, और इनके लड़ाई के चलते उस टाइम की स्टेट गवर्नमेंट ने फिर इनको क्या किया, इनको जितने भी यूनियन थे इनको इलीगल करार दे दिया। उन्होंने बोला कि ये जितने भी यूनियन हैं, ये जितने भी एसोसिएशन बना रहे हैं, ये सारी इलीगल्स हैं। वहाँ पे फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा मास अरेस्ट हुआ, ठीक है, उनको पनिशमेंट्स दी गई जो नहीं मान रहे थे या कोई स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे थे, तो उसको गवर्नमेंट ने फिर इलीगल करार दी थी इन यूनियंस को, इनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए, कि हम ये यूनियंस ही नहीं रखेंगे, इनको इलीगल करार दे देंगे, ठीक है? तो फिर इन इसके बाद जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिवोक विद्रोह हुआ, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई, बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मशीनरीज को ब्रेक डाउन करने लगे, बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल स्पेशली टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को जो है वो उनको ख़त्म करने लगे, नष्ट करने लगे। तो ये सारी कहानी उस टाइम चली 1830 के वक्त या उससे पहले, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको थोड़ी सी कहानी बताई, इसी के बारे में हम देखेंगे इन डिफरेंट 3 मेन फीचर्स में,
कि क्रिएशन ऑफ स्पोरेडिक स्पॉन्टेनियस एंड लूज ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द इमरजेंस ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम, कि फैक्ट्री सिस्टम के इमरजेंस के बाद बहुत सारी लूज ऑर्गेनाइजेशन बनी। लूज ऑर्गेनाइजेशन वो वाली होती है जहाँ पे कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती है, कोई कंट्रोल नहीं होता है टॉप टू डाउन अथॉरिटी में, ठीक है, उनको बोलते हैं लूज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी बहुत सारी लूज ऑर्गेनाइजेशन बनी आफ्टर द फैक्ट्री सिस्टम, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी, तो उन्हीं को ही लूज ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है यहाँ पे, पहली चीज क्लियर होगी। फिर जब उनके बीच में और जो रूलिंग यूनियन थी पहले से जो एसोसिएशन थी उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो फिर क्या किया, तो गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, डिक्लेयर देम इलीगल, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मास अरेस्ट हुआ और पनिशमेंट्स उनको देने लगे। तो ये भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। और तीसरा जो मेन फीचर है कि वहाँ पे फिर रिवोल्ट होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा और ब्रेकिंग ऑफ मशीनरीज होने लगी और वायलेंस ऑफ वर्किंग क्लास, बहुत ज़्यादा वायलेंस उसके बाद होने लगा। तो ये जो तीन फीचर्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप सो कि अब आपको ये अर्ली 1830s का जो फीचर्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे पूरी तरह से। और ये वो थोड़ा सा पिक्टोरियल डायग्राम है जहाँ से आप समझ सकते हो कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, नई इंडस्ट्रीज बनी और नई वर्किंग क्लास बनी, जिनको कि सुप्रेस किया बाय द रूलिंग क्लास ऑफ यूनियन ने, जिसके चलते स्टेट गवर्नमेंट ने फिर इनको इलीगल करार दे दिया अंडर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी अंडर कॉमन लॉ, ठीक है। और वहाँ पे दो नए एक्ट बनाए गए, टू कॉम्बिनेशन एक्ट, एक 1799 और 1800। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको आएगा वो उसके मेन फीचर से आएगा, ठीक है, और बस और कोई क्वेश्चन बनने के यहाँ पे चांसेस नहीं है। और ये वाला आप ध्यान में रखना कि टू कॉम्बिनेशन एक्ट पहले कब आए थे, 1799 और 1800 में। तो पहले वाला क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा, जब मैंने बात की थी तीसरे तीन फीचर्स के, मैंने आपको बताया ना, पहला कि बताया कि लूज ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी, तो वो तो हमें समझ आ गया कि यहाँ बहुत सारी लूज ऑर्गेनाइजेशन बनी आफ्टर द फैक्ट्री सिस्टम। सेकंड, मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको इलीगल करार दे दिया जितनी भी यूनियंस थी, तो ये भी हमें समझ आ गया। तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ और ब्रेकिंग ऑफ मशीनरी हुई, तो ये थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं ल्यूडिट मूवमेंट। तो आपको पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेगा कि ल्यूडिट मूवमेंट कब बनी थी या कब आई थी, वो हुई 1811 की, 1811 में ल्यूडिट मूवमेंट हुई थी। और ल्यूडिट मूवमेंट किसको बोलते हैं, ये वर्कर्स की मूवमेंट ऑफ इंग्लैंड जहाँ पे मशीन ब्रेकिंग एंड रैकिंग ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्री, रैकिंग मतलब नष्ट, ठीक है, जहाँ पे आपकी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को जो है वो नष्ट किया जाने लगा, मशीन ब्रेकिंग होने लगी, उसी को ही बोला ल्यूडिट मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, कि एक तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसकी और दूसरा कि ये ल्यूडिट मूवमेंट कब हुई थी, तो 1811 में, ठीक है। और ये आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हो, अगर बाकी तीन ऑप्शंस 1830 के बाद के हैं तो ऑब्वियसली आपको खुद समझ आ जाएगा कि ल्यूडिट मूवमेंट 1830 के पहले ही हुई थी, तो ऑब्वियसली 1811 इसका आंसर होगा। और जो दो और क्वेश्चन जो आपको बन सकते हैं जिसमें से कि ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, 1815 से 1820 का जो पीरियड है उसको सीजन ऑफ ब्लाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। सीजन ऑफ ब्लाइंड मतलब कि वहाँ पे अंधाधुंध क्या हो रहा था, मतलब विद्रोह हो रहा था टू दी इनटॉलरेबल डिस्ट्रेस, जो गवर्नमेंट ने लीगल करार दे दिया और यूनियन को, एसोसिएशंस को, मतलब बिल्कुल भी उनको कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं थी, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे थे, डेस्परेट रिएक्शंस हो रहे थे, ठीक है, तो उसको सीजन ऑफ ब्लाइंड भी बोला जाता है। और दूसरा 1820 से 1830 के पीरियड को सीडिंग टाइम फॉर वर्किंग क्लास आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये उनके लिए, उनकी आइडियाज, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सीडिंग टाइम था, स्टार्टिंग टाइम था, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सीजन ऑफ ब्लाइंड किसको बोला जाता है, तो 1815 से 1820 के पीरियड को बोला जाता है। तो आई थिंक सो, अब यहाँ से आपको हर तरह के क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुके होंगे। और अब यहाँ पे बात आती है 1824 की, जब ये जो कॉम्बिनेशन एक्ट थे 1799 जो हमने बात की और 1800, इनको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, और नया एक्ट जो बना उसके अंदर जो यूनियंस थी उनको फिर से लीगलाइज्ड कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हुआ था कि जब ये उनको इलीगल करार दे दिया गया, तो कुछ जो आपके पास फिर भी यूनियंस थी वो कंटिन्यूअसली उन्होंने अपना ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो चलाए रखा, जिस वजह से फिर इनको दोबारा से लीगलाइज्ड करना पड़ा। और लीगलाइज्ड करना पड़ा तो 1824, 1825, 1826 और 1827, इन चार सालों में चार डिफरेंट तरह की एसोसिएशंस बनी, जिनके नाम आपको पता होना ज़रूरी है। तो जैसे सबसे पहले आपकी स्टीम इंजन मेकर सोसाइटी एंड लंदन शिप राइट्स एसोसिएशन, दूसरा नॉर्दम्बरलैंड एंड दुर्रम कोलियर्स यूनियन, जो कोयला खाइने होती है ना वहाँ की यूनियन, जर्नी मैन स्टीम इंजन मेकर्स और फ्रेंडली सोसाइटी ऑफ कारपेंटर्स एंड ज्वाइनर्स, तो ये चार तरह की डिफरेंट एसोसिएशन बनी।
तो इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे रख सकते हो कि लंदन में आप गए है ना, वहां से आप वापिस नॉर्दम्बरलैंड, नॉर्थन ईस्ट से होके होते हुए जर्नी करते हुए मतलब वापिस घर में अपने फ्रेंड्स के साथ वापिस आ गए। तो ये आप ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हो इसको है ना, कि 24, 25, 26 और 27 की आप लंदन से नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, लंदन से नॉर्थ ईस्ट से होते हुए जर्नी करते हुए घर वापिस आए अपने फ्रेंड्स के पास। तो ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हो, आप अपने तरीके से बना सकते हो। अच्छा, पहले पीरियड के बारे में बात हो गई, अब चलते हैं सेकेंड पीरियड। हम चार डिफरेंट पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, पहला हो गया, सेकेंड हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकेंड और थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फोर्थ जो कि छोटा सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पीरियड ऑफ 1830 तक हमने देख लिया, अब चलते हैं 30 से 49 के बीच में क्या हुआ। इस पीरियड को बोलते हैं ट्रेड्स यूनियनिज्म वर्सेस ट्रेड यूनियनिज्म, ट्रेड्स और यहाँ है ट्रेड, तो नाम ही बता रहा है आपको। देखो, ट्रेड यूनियनिज्म मतलब एक ऐसा यूनियनिज्म जो कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लोगों के साथ मिलके बना है, मतलब जहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी जो एसोसिएशन है वो एक पर्टिकुलर ट्रेड, चाहे वो फिर फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई टेक्सटाइल वर्कर्स ने मिलके एसोसिएशन बनाई तो उसको बोलेंगे ट्रेड यूनियनिज्म। और ट्रेड्स यूनियनिज्म क्या होगा, जिसमें जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हर ट्रेड के लोग, हर ट्रेड के वर्कर्स जो है साथ में मिलके एसोसिएशंस बनाएंगे उसको बोलेंगे ट्रेड्स यूनियनिज्म। फॉर एग्जांपल कि टेक्सटाइल के भी आ गए, स्टील के भी आ गए, कोयला खान के भी आ गए है ना, डिफरेंट तरह के ये सारी ट्रेड्स के वर्कर्स ने इकट्ठे होकर एसोसिएशन बनाई, इसको बोलेंगे ट्रेड्स यूनियनिज्म। तो यही हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको इसमें आता है वो आता है कि नाम याद रखना है आपको रॉबर्ट ओवन, जो कि बहुत मतलब सही सोशलिस्ट पर्सन जिसको हम बोल सकते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस था, रॉबर्ट ओबन का। ठीक है, जितनी भी लेबर वेलफेयर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर रॉबर्ट ओबन का नाम आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, बिकॉज वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के इनको इनके लिए इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस था। तो इनकी लीडरशिप के अंदर दो मूवमेंट्स हुई, रिफॉर्म मूवमेंट 1832 और चार्टिस्ट मूवमेंट 1838, जिनके बारे में हम इसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। बस आपको इसका क्या याद रखना है कि रिफॉर्म मूवमेंट कब आई थी, 1832 में, दैट्स इट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, रिफॉर्म मूवमेंट कब आई थी 1832 में, इसके बारे में और कुछ नहीं देखना है। देखना है तो किसके बारे में, चार्टिस्ट मूवमेंट के बारे में जो कि 1838 में आई थी। उससे पहले हम कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे चार्टिस्ट मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे आपको वेब्स ने, अब आपको पता है वेब्स कौन है, वेब्स मतलब जैसे ग्रुप का नाम लिख देते हैं ना, जैसे आपने डांस शो देखा होगा MJ5 है ना, MJ5 एक डांस ग्रुप है, अब MJ5 में डिफरेंट 5 तरह के डांसर्स हैं, तो अब उनके नाम तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, और उनको एक ग्रुप के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है MJ5। वैसे ही वेब्स जो है वो एक ग्रुप का नाम है जिसमें दो लोग आते हैं, एक का नाम है सिडनी और एक का नाम है ब्रिटिश वेब, ब्रिटिश वेब, तो इनको इकट्ठा मत वेब्स बोल देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो लोगों को इकट्ठा नाम दे दिया गया है जिसका नाम है वेब्स। ठीक है, तो वेब्स ने 1829 से लेकर जो 1842 का जो पीरियड था उसको एक नाम दिया, दैट इज रेवोल्यूशनरी पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाएगा कि रेवोल्यूशनरी पीरियड कौन सा पीरियड है और किसने दिया, तो वो था 1829 से 42 के बीच का, और वो दिया था वेब्स ने। इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब इस पीरियड को रेवोल्यूशनरी पीरियड क्यों बोला गया, बिकॉज इस पीरियड की जो सबसे बड़ी मेन कंट्रीब्यूशन थी वो थी कि इस पीरियड की कंट्रीब्यूशन की वजह से एक बहुत बिग वन बिग यूनियन का क्रिएशन हुई। ठीक है, जहाँ पे नाम ही बता रहा है वन बिग यूनियन, वन बिग यूनियन जो थी, जो कि बनी डिफरेंट ऑल वर्कर्स, चाहे वो स्किल्ड हों चाहे अनस्किल्ड हों, इन ऑल ट्रेड्स, जितने भी ट्रेड्स थे मैक्सिमम ट्रेड्स के मैक्सिमम वर्कर्स के साथ मिलके एक यूनियन का गठन हुआ जिसको बोला वन बिग यूनियन, और इसीलिए यहाँ से ही नाम आया ट्रेड्स यूनियनिज्म। क्योंकि हमने शुरू में ही बात की थी कि ट्रेड्स यूनियनिज्म क्या होता है, कि जब डिफरेंट ट्रेड्स के वर्कर्स साथ में मिलके एक बहुत बड़ी एसोसिएशन का गठन करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड्स यूनियनिज्म। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस पीरियड को ऐसा क्यों बोला, बिकॉज इस एक पर्टिकुलर पीरियड की जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी उसकी वजह से एक बहुत बड़ी बिग यूनियन बनी, जिसमें कि डिफरेंट ट्रेड्स के जो वर्कर्स थे उन्होंने इकट्ठे होके एक जनरल यूनियन का गठन किया, ट्रेड्स यूनियन का। ठीक है, इसको जनरल यूनियन भी हम आज, जिसको हम जनरल यूनियन बोलते हैं ना, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि जनरल यूनियन क्या होती है, जिसमें कि डिफरेंट ट्रेड्स के लोग इकट्ठे होके
चाहे वो किसी भी जियोग्राफिकल कहीं से भी हो, वो अपना यूनियन एसोसिएशन बनाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब कुछ ट्रेड्स यूनियन के नाम जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ट्रेड्स यूनियन के नाम, जैसे 1830 में बनी थी नेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, NAPL। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पता होना चाहिए कि कब बनी थी पहली चीज। और इसमें 30 से ज्यादा ट्रेड्स के जो वर्कर्स थे वो साथ में मिले थे, और अंडर द रॉबर्ट ओवन की लीडरशिप के अंदर ये बनी थी। तो एक तो इसका फुल फॉर्म और कब ये बनी थी, ये दो चीजें आपको, ठीक है? और ये ट्रेड्स यूनियनिज्म है, ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसको रिप्लेस कर दिया गया फिर 1834 में बाई दी ग्रैंड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन 1834। पहले वाली कब बनी? 1830 में। ये वाली फिर कब बनी? 1834 में, GNCTU, ग्रैंड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन, ठीक है? जो कि जनरल यूनियन थी ऑफ दी प्रोडक्टिव क्लास। तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया कि जो ट्रेड्स यूनियनिज्म है उसको हम जनरल यूनियन भी बोलते हैं, बिकॉज जनरल यूनियन और जो ट्रेड्स यूनियन उसका मतलब एक ही है, क्योंकि जनरल यूनियन में भी ऐसे वर्कर्स आते हैं जो कि डिफरेंट ट्रेड्स के होते हैं, ठीक है? बट दुख की बात यह है कि ये जो रिफॉर्म एक्ट 1832 जो कि हमने पहले ही बात की थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट ओवन, और जो आपका ये NAPL है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, जिसके बारे में हमने अभी बात की 1830, और जो GNCTU है जो 1834 में बना, ग्रैंड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन, ये सारे जो है वो कोलैप्स्ड हो गए, मतलब कंटिन्यू नहीं रहे, सारे खत्म हो गए, बंद हो गए। और इसके खत्म होने का रीजन जो है वो यहाँ पे बेब्स ने कुछ अपने शब्द में बयां किया, जिसको कि आपको एज इट इज ऐसे इसको पढ़ना है, ठीक है? ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज ये एज इट इज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको इसके आने के चांसेस इस तरह है कि आपको पूरी डेफिनेशन लिखी होगी एज इट इज, और बोला होगा कि ये किसने बताया, ये किसने लिखा। तो ये लिखा था बेब्स ने, ये जो भी राइज एंड फॉल ऑफ यूनियनिज्म हुआ था 1830 से 34 के बीच में, कि पहले बना फिर कोलैप्स्ड हो गए, तो ये जो राइज और फॉल था उसके पीछे क्या कारण थे, ये सारा इस कहानी में लिखा हुआ है। तो आप इसको खुद पढ़ोगे और एज इट इज इसको मतलब एक बार पिक्चर बना लोगे माइंड में कि हाँ थोड़े से ऐसे वर्ड्स लिखे थे, तो ये किसने लिखे थे? वेब्स ने लिखे थे। बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पे करनी है। अब चलते हैं। तो जब ये फेल हो गया तो रॉबर्ट ओबर्ट ने जो आपका कैपिटलिज्म था उस टाइम, जो कैपिटलिज्म था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के थ्रू कोशिश की, बट ऑब्वियसली इतना ज्यादा वहां पे लोगों के बीच में मतलब बहुत ज्यादा वहां पे रिग्रेस मेथड्स का यूज किया जा रहा था वर्कर्स के द्वारा, है ना? तो जिस वजह से ये नहीं कंटिन्यू रह सका इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट, जिसके लिए उन्होंने एक वर्कर्स कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाई थी, बट वो नहीं कंटिन्यू रह पाई, ठीक है? क्योंकि माहौल बड़ा गर्म था वहां पे, जज्बाती हो गए थे लोग सारे, है ना? सारे बोल रहे थे कि हम मार के ही एक दूसरे को मार के क्या कर लेंगे, मतलब ये जितने भी कैपिटलिस्ट हैं इसको इनके मतलब विरुद्ध एक विद्रोह वाला टाइम चल रहा था ना, प्यार मोहब्बत वाली कहानी ही नहीं थी उस टाइम। तो जिस वजह से ये वर्कर कोऑपरेटिव मूवमेंट जो कि किसने चलाया था, रॉबर्ट ओवन ने, फॉर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए, वो भी नहीं फिर हो सका ताकि कैपिटलिज्म को खत्म किया जा सके। तो फिर उसके बाद अब आते हैं आपके पास चार्टिस्ट मूवमेंट की तरफ, जो कि हमने शुरू में बात की थी कि रिफॉर्म एक्ट के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे जो कि 1832 में आया था। चार्टिस्ट मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि 1838 में बना था। और चार्टिस्ट मूवमेंट इसलिए बोलता है कि चार्टर मतलब एक चार्टर ऑफ डिमांड यहाँ पे क्रिएट किया गया ताकि फॉर गेनिंग पॉलिटिकल राइट्स। अब यहाँ पे ये क्या है इसको हम फटाफट देखेंगे, है ना? इसमें सिक्स डिफरेंट मेन्स थी, या डिफरेंट सिक्स डिफरेंट डिमांड्स थी, हम ये बोल सकते हैं। इस चार्टिस्ट मूवमेंट में क्या था, वर्कर्स ने इकट्ठे होके जो स्टेट थी, जो गवर्नमेंट थी, उसके सामने डिफरेंट तरह के डिमांड्स लेके आए, उसका एक चार्टर लेके आए, और उसमें जो सिक्स इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपको वन बाय वन सभी माइंड में याद रखनी है, ठीक है? तो पहली डिमांड क्या थी कि मैनहुड सफरेज, मतलब कि जो आप वोटिंग करते हो उसमें हर एक मेंबर को जो है वो क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए वोट करने का, वन मैन वन वोट, कि हर एक मैन को अपना वोट करने का अधिकार होना चाहिए, ये पहली बात हुई। दूसरा वोट बाय वॉलेट, मतलब सीक्रेट वॉलेट जिसको हम बोलते हैं, कि जो भी वोटिंग होती है वो कैसे होनी चाहिए, सीक्रेट वॉलेट के थ्रू, कि मतलब एनोनमसली, ऐसा नहीं है कि आपने वोट किया और फिर वो आप खुले में उसको आप बता रहे हो, जिस जो भी कैंडिडेट्स खड़े हैं वहां पे, है ना, इलेक्शन के लिए, उनको आप बता रहे हो कि इस पर्सन ने आपको वोट कर दिया, इस पर्सन ने उसको वोट किया, तो इससे तो वो भी तो फिर उसको मार डालेंगे बाद में कि भाई तूने ही उसको क्यों वोट किया, मेरे को क्यों वोट नहीं किया। तो सीक्रेट वॉलेट के थ्रू वोटिंग होनी चाहिए ताकि एनोनमसली रहे, किसी को कोई मतलब ये नहीं पता चले कि किसने किसको वोट किया, ठीक है? ये दूसरी डिमांड थी। तीसरी कि एनुअल पार्लियामेंट्स, जो पार्लियामेंट है वो एनुअली इलेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि अब अभी हमारा 5 साल के बाद 5 साल के लिए पार्लियामेंट चुनी जाती है लोकसभा, और 6 साल के लिए राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं।
वैसे ही जो पार्लियामेंट है वो एनुअली उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, ये वहां पे बोला गया, ये डिमांड थी। फोर्थ पॉइंट, एबोलिशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज, मतलब जो भी एमपीज खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए उनकी प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन को एबोलिश कर दिया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो जो लेबर थी, जो वर्कर्स थे, उनमें से अगर कोई मेंबर खड़ा होना चाहता है, तो अब पहले क्या था उस टाइम जो था वो जो जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी थी उन्हीं को ही एमपीज इलेक्शंस में खड़े होने के लिए बोला जाता था, है ना, उन्हीं के पास कंडीशंस थी, एलिजिबल कंडीशन वही रखी गई थी कि जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी वही एमपी बनेगा या वही इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। बट इसी कंडीशन को खत्म करने के लिए ये भी डिमांड थी कि प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होना चाहिए। देन पेमेंट टू मेंबर्स, पेमेंट टू मेंबर्स मतलब जो भी एमपीज हैं उनको पेमेंट, सैलरी जिसको हम बोलते हैं, वो देनी चाहिए ताकि जो वो अपना लाइवलीहुड, जो उनका बिजनेस है उसको वो छोड़ दें फॉर, ताकि वो नेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, नेशन के लिए क्या कर सकें, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। जैसे ही आपको पता होगा कि जो भी आपके पास राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनको ये कंडीशन होती है कि उनका कोई अपना पर्सनल बिजनेस नहीं होना चाहिए, सो दैट कि उनका जो इंटरेस्ट है वो अपने पर्सनल बिजनेस की तरफ ही रहे और उनका नेशन के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ना हो। इसके लिए उनके लिए पहले कंडीशन रखी होती है कि आपका कोई पर्सनल प्रॉफिट का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक कंडीशन है। और बाकी लास्ट उनकी डिमांड थी कि इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स रीअरेंज्ड आफ्टर ईच डाइसेनियल सेंसिस, हर 10 साल के बाद जो भी सेंसस होता है उसमें इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। दैट मींस कि मतलब जैसे हर 1,000 लोगों के ऊपर जो है वो एक बूथ होना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो जैसे सिटीज में 500 लोगों के ऊपर ही एक बूथ बना दिया और गांव में मतलब 1,000 के ऊपर एक बूथ बना रहे, तो ऐसा इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। ये कुछ ऐसे 6 आपको डिफरेंट तरह के डिमांड्स थी, ठीक है, जो कि चार्टर मूवमेंट में कही गई थी। बट दिस चार्टर इज चार्टिस्ट मूवमेंट ऑल्सो डाइड, ये भी नहीं चली डाउन विदाउट ब्रिंगिंग एनी सॉलिड गेन टू द वर्कर्स, इसको वर्कर्स का इसको कोई फायदा नहीं हुआ, ये भी डाइड हो गई, ठीक है। तो फिर जिस वजह से 1830 का जो पीरियड है उसको 2 पीरियड के नाम से जाना जाता है, इसको रेवोल्यूशनरी पीरियड भी बोलते हैं और इसको डिसइल्यूजनमेंट पीरियड भी बोलते हैं, मतलब निराशा का पीरियड भी बोलते हैं वर्कर्स के लिए। क्यों रिवोल्यूशनरी पीरियड, तो इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे ट्रेड्स यूनियनिज्म का आइडिया आया, जिसमें कि यूनिफाइड लेबर मूवमेंट मतलब डिफरेंट ट्रेड के लोगों को एक इकट्ठा जोड़ के एक मूवमेंट चलाने की कोशिश हुई, एक आइडिया आया, तो इसलिए इसको रेवोल्यूशनरी बोला। दूसरा, इसमें पॉलिटिकल गेन के लिए जो चार्टिस्ट मूवमेंट का आइडिया आया तो उसकी इंपॉर्टेंस पता लगी वर्कर्स को कि हाँ अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें इंपॉर्टेंस मिलेगी, पार्लियामेंट में जाएंगे तो अपने लिए अच्छे लेबर लॉज बनाएंगे, फेवरेबल लेबर लॉज बनाएंगे, तो ये सारी इंपॉर्टेंस को उनको पता लगी। और जो रॉबर्ट ओवन, ये जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी और वर्कर्स कॉपरेशन के जो आइडियाज थे उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा कि हाँ हम ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक रेवोल्यूशनरी पीरियड भी था, बट साथ में ये डिसइल्यूजनमेंट पीरियड था, बिकॉज ये जितनी भी चीज़ें थी इनसे कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो इनसे कोई सॉलिड गेन नहीं हुआ, जिसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये वर्किंग क्लास के लिए बिल्कुल एक निराशा का पीरियड भी था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड पीरियड। अब हम चलते रहे हैं थर्ड पीरियड, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, और फोर्थ पीरियड जो कि बहुत और छोटा है, तो अभी हमारा 10 मिनट में ही कवर हो जाएगा, तो आराम से जिसको ब्रेक लेनी है वो ले सकता है, और जिनको अभी तक ठीक है दिमाग शांति है तो वो देख सकता है आगे, ठीक है। थर्ड पीरियड का नाम है न्यू मॉडल यूनियनिज्म। तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि 1850 से 79 के बीच का जो पीरियड है उसको बोला न्यू मॉडल यूनियनिज्म। अच्छा, इसमें क्या है, बोला है कि कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ऑर्गेनाइजिंग वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्राफ्ट। अब देखो, जो इससे पिछले वाला पीरियड था जिसका नाम था ट्रेड्स यूनियनिज्म वर्सेस ट्रेड यूनियन, ठीक है, इस पीरियड में मैंने आपको क्या बताया कि जो वर्कर्स की एसोसिएशन थी वो क्या थी, डिफरेंट ट्रेड्स के लोग इकट्ठे हो गए, डिफरेंट ट्रेड्स के जो वर्कर्स थे वो एक इकट्ठे होकर एक बड़ी बिग यूनियन का गठन कर रहे थे, जिसको कि हम बोल रहे थे ट्रेड्स यूनियनिज्म। बट अगर आप खुद समझो कि जहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी एक अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके कुछ अपने गोल्स होते हैं जिनका कि उनका अपना हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी और उनका डिफरेंट सोल्यूशन होगा। तो पहले क्या कर रहे थे हम कि स्किल्ड अनस्किल्ड को सभी को इकट्ठे ही जोड़ के यूनियन बना रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है यार, जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे उनकी अपनी गोल्स होंगे, जो अनस्किल्ड होंगे उनके अपने अलग गोल होंगे, तो वो इकट्ठे तो चल नहीं सकते ऑब्वियसली, है ना। तो अब इस मूवमेंट में, इस यूनियनिज्म में ऐसा बोला कि ऐसा है, ये जो आप वर्कर्स की एसोसिएशन बना रहे हो, बजाय इसके कि आप सभी ट्रेड्स के लोगों को इकट्ठा करके एक बिग यूनियन बनाओ, इसकी जगह आप ऑन द बेसिस ऑफ क्राफ्ट, या क्राफ्ट को आपको पता है क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं,
कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन आप क्या है डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन बनाओ वर्कर्स की. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल वालों की अलग से एसोसिएशन बनाओ, स्टील वालों की अलग से एसोसिएशन बनाओ, या जो भी कोयला वालों की, कॉलियरी वालों की अलग से एसोसिएशन बनाओ. ऐसे हर एक ऑक्यूपेशन के लोग वर्कर्स की हर एक डिफरेंट एसोसिएशन होनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सेम हो और उनका सोल्यूशन भी सेम हो. ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे आइडिया था. तो जिस वजह से और इसीलिए इस मॉडल को सेटअप किया था बाय द अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स 1850 में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहला तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि न्यू मॉडल यूनियनिज्म में जो वर्कर्स की एसोसिएशन बनती है वो किस बेसिस के ऊपर बनती है, क्राफ्ट के बेसिस के ऊपर. पहला क्वेश्चन तैयार. दूसरा कि जो अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स है ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1850 में. तीसरा क्वेश्चन, जो न्यू मॉडल यूनियनिज्म है इसको किसने बनाया था, वो बनाया था अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीच में नाम आ रहा है इंजीनियर्स, दैट मीन्स ये जो सोसाइटी बनेगी, ये जो एसोसिएशन बनी है किसके किस बेसिस के ऊपर बनी, ये बनी इंजीनियर्स ऑक्यूपेशन के ऊपर. क्लियर हो गया अब. ठीक है, अच्छा अब इस मॉडल के कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ आएंगे. पहला बोलता है कि अ क्लोज एस कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड फ्रेंडली एक्टिविटीज. तो ऑब्वियसली बात है इससे पहले का जो पीरियड था वो था जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हो रहा था, मतलब लड़ाई झगड़े वाला काम हो रहा था ना. बट ये वाला जो पीरियड है इसमें वर्कर्स ने बोला कि ऐसा है, हम कैपिटलिज्म फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करेंगे, शांति से प्यार से हम काम करेंगे. ठीक है, और दूसरा बोला कि यहाँ पे जो क्लोज कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड होना चाहिए, जो कि मतलब कि जो भी एसोसिएशन है उनके जो ट्रेड है उसके बीच में क्लोजली एसोसिएशन होने चाहिए. अगर वो टेक्सटाइल वर्कर का है तो टेक्सटाइल फैक्ट्री के ही वर्कर्स जो है वो इकट्ठे होने चाहिए, स्टील वाले जो है वो अलग से इकट्ठे होने चाहिए, कॉलेरी वाले जो है वो अलग से इकट्ठे होने चाहिए. मतलब उनके ट्रेड का जो कम्बिनेशन है वो क्लोज कम्बिनेशन होना चाहिए. ठीक है, ये आपको चीज क्लियर होगी. अच्छा, दूसरा हाई इनिशिएशन एंड मेंबरशिप फीस. जो इन एसोसिएशन की फीस थी वो हाई थी, और क्यों थी हाई, इसका रीजन नेक्स्ट फीचर में है कि ये जो मेंबरशिप थी वो सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स के लिए ही ओपन थी, इसमें अनस्किल्ड वर्कर्स नहीं थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स ही थे, इसलिए उनकी जो फीस थी वो भी हाई थी. और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, इन्होंने बोला कि ये जितने भी वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बनेंगी इनका एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, मतलब इनको एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि इनको सेंट्रली कंट्रोल करे. ठीक है, और लास्ट कि ये जो जितने भी वर्कर्स थे दे आर रिलाय ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ टू सिक्योर शॉर्टर वर्किंग आवर्स और हायर वेजेस और बेटर वर्किंग कंडीशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो ये जितने भी वर्कर्स थे ये सारी जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड थे, अपनी जितनी भी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग जो भी उनकी थी. ठीक है, तो जो कि हमने मेन फीचर में पढ़ा कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ जिसका नाम है लंदन ट्रेड काउंसिल 1860. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो कि क्या करती थी, जितनी भी डिफरेंट ट्रेड यूनियंस हैं उनको बेनिफिट्स पहुंचाने का काम करती थी. अब वो बेनिफिट्स किस फॉर्म में होता है वो हम बिल्कुल एक मिनट के अंदर देखने वाले हैं. ठीक है, तो इस काउंसिल का काम क्या था, सेंट्रलाइज कंट्रोल करती थी ये डिफरेंट यूनियंस को बाय उनको बेनिफिट्स पहुंचा के. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो ट्रेड लंदन ट्रेड काउंसिल थी इसमें चलाने इस काउंसिल में जो लोग थे जो इसको चलाते थे वो कौन थे. तो उनको बोलते हैं, मतलब एक ऐसे ग्रुप ऑफ लीडर्स, एक ऐसा ग्रुप ऑफ लीडर्स था. अच्छा इसको थोड़ा सा और आसानी से समझो कि अभी हमने पढ़ा कि ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर डिफरेंट एसोसिएशन हम बना रहे हैं. ठीक है, तो डिफरेंट एसोसिएशन उनमें से एक इंजीनियर की एसोसिएशन, कारपेंटर क्राफ्ट या कारपेंटर ऑक्यूपेशन के कुछ लीडर्स, आयरन फाउंडर से कुछ लीडर्स और जो ब्रेक लेयर से कुछ लीडर्स, इन चार डिफरेंट ऑक्यूपेशन के जो लीडर्स थे. ठीक है, उन्होंने मिलके इस ट्रेड लंदन ट्रेड काउंसिल को चलाने का जो है वो काम लिया. मतलब एक ऐसे ग्रुप ऑफ लीडर्स ड्रॉन फ्रॉम इंजीनियर, कारपेंटर, आयरन फाउंडर, ब्रिकलेयर्स बिगेन टू डोमिनेट ट्रेड यूनियन मूवमेंट थ्रू दिस काउंसिल. तो उन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो थी ब्रिटिश की उसको डोमिनेट करने के लिए लंदन ट्रेड काउंसिल के थ्रू उसको डोमिनेट करना स्टार्ट किया ट्रेड यूनियन मूवमेंट को. ठीक है, तो और इन चारों को के जो लीडर्स थे उनको वेब्स ने एक नाम दिया जिसका नाम है जुंता. जुंता का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसी अथॉरिटी या एक ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके पास अथॉरिटी होती है लीड करने की. ठीक है, जिनके पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है
कंट्री को लीड करने की पावर होती है उनके पास, लीड करने की, उसी को बोलते हैं जुंता। तो वेब्स ने इसको, इनको नाम दिया था जुंता। तो अब पेपर में आपको पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जुंता क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ लीडर्स जो कि चार डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लीडर से मिलकर बने होते हैं, जैसे इंजीनियर, कारपेंटर, आयरन पाउंडर और ब्रिकलेयर, ठीक है। और इनको नाम किसने दिया, ये वेब्स ने दिया। और लंदन ट्रेड काउंसिल कब बनी थी, 1860 में। बस ये तीन क्वेश्चन आपको इसमें से याद रखने हैं। नेक्स्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ट्रेड, लंदन ट्रेड काउंसिल है, वो क्या करती है, डिफरेंट यूनियंस को बेनिफिट देती है। तो वो बेनिफिट किस फॉर्म में देती है, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड ड्यूरिंग देयर स्ट्राइक। जब भी कोई यूनियन स्ट्राइक करेगी तो उस टाइम उनके मेंबर्स को जो भी फाइनेंशियल एड की या उस यूनियन को फाइनेंशियल एड की जरूरत होगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा, लंदन ट्रेड काउंसिल। तो ये आपको पहला इसका समझ आ गया। और यही जो हमने बात की कि एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होना चाहिए, इसीलिए यही एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट को चला रही थी एज अ होल। तो आई थिंक सो कि आपको थोड़ा सा समझ आने लगा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ अब हम कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं, 1850 से 79 का पीरियड पढ़ रहे हैं हमारा। तो 1864 में इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन बनी अंडर बाय दी कार्ल मार्क्स के द्वारा, एक एसोसिएशन बनाई गई जिसका नाम है इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन, ठीक है। इंजेक्टेड एन एलिमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी फर्वर, फर्वर मतलब जोश, इन टू द ब्रिटिश ट्रेड, जिसने कि ब्रिटिश ट्रेड यूनियन मूवमेंट में एक रेवोल्यूशनरी जोश भरा। किसने भरा, इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बनेगा कि जो इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन थी वो कब बनी थी, 1864 में। दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा ये किसके अंडर बनी थी, ये बनी थी कार्ल मार्क्स के अंदर। तीसरा क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। और जो 1864 से 1874 के बीच में, 1872 के बीच में, इस पीरियड के बीच में 1872 में कैनेडा में एक 9 आवर्स मूवमेंट चल रही थी, जिसको भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला था इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट से, किससे, ब्रिटिश की ट्रेड यूनियन मूवमेंट से, ठीक है। और ये 9 आवर्स मूवमेंट कुछ नहीं थी, इसमें मतलब यही था, इसका मेन जो एम था वो ये था कि जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स होने चाहिए वो 9 आवर्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसको भी काफी अच्छा मोमेंटम मिला था। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि जो 9 आवर्स मूवमेंट थी वो कब थी, 1872 में बनी थी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। और इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन कब बनी थी, 1864 में अंडर कार्ल मार्क्स। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जो 1850 और 75 का जो पीरियड है, इसको हम इकोनॉमिक एक्सपेंशन का पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन का पीरियड, या प्रॉस्पेरिटी ऑफ फॉर ग्रेट ब्रिटेन का पीरियड भी इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे अचीवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस को एक स्टेबिलिटी मिली थी, ठीक है। और इसी पीरियड में वेरी 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 इंपॉर्टेंट जन्म हुआ था ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, दैट इज 1868 में। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम पार्ट टू में बात करेंगे बहुत अच्छे से, कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, कैसा इस ये गवर्न करता है, क्या इसकी गवर्निंग बॉडीज होती हैं। तो इसके सब हर चीज़ हम पार्ट टू में करेंगे, दैट इज ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो उसका जन्म जो है वो इसी पीरियड में हुआ था, किस पीरियड में, न्यू मॉडल यूनियनिज्म के पीरियड में, ठीक है, 1868 में। तो बहुत अच्छे से इसको हम वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। और अच्छा, बाकी अब यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर हम ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे थे, तो अब बात आई कि हमने सोचा कि यार ये तो ठीक है कि ऑक्यूपेशन बेसिस के ऊपर छोटी छोटी एसोसिएशन हमने बनाना स्टार्ट कर दी, पर नेशनल लेवल के ऊपर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो कि क्या करे, एक मतलब एक बड़े फ्रंट के बेस, एक बड़े फ्रंट के रूप में आगे जाके गवर्नमेंट के साथ लड़ सके, उनके साथ बातचीत कर सके। तो उसके लिए नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए अटेम्प्ट स्टार्ट हुए, जिसमें कि एक एसोसिएशन बनाई गई थी जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम अलायंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स, 1866 में, है ना, जिसमें कि 138 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। और शेफील्ड ट्रेड, ग्रेट ब्रिटेन में एक जगह है शेफील्ड में, उस जगह के ऊपर, बट ये सून डिसअपियर हो गई थी, बिकॉज यहाँ पे जो जुंता, जुंता अब कौन है, जो कि वेब्स ने जिनको एक नाम दिया था, अब मैंने आपको बता दी कि जुंता क्या होता है, जुंता मतलब जिसमें इंजीनियर, कारपेंटर, है ना, आयरन फाउंडर, ठीक है, इन सभी चार डिफरेंट तरह के ऑक्यूपेशन के जो लीडर्स होते हैं जो कि लंदन ट्रेड काउंसिल को गवर्न करते हैं, उन लोगों, ग्रुप ऑफ लीडर्स को बोलते हैं जुंता। तो उनके लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये जो है वो बहुत जल्दी डिसअपियर हो गई थी, 1866 में ये बनी ना, तो 1867 में ये डिसअपियर हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन यही बनेगा कि यूनाइटेड किंगडम अलायंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड कब बनी थी, 1866 में, बस, ठीक है। या दूसरा आपको ये भी बन सकता है कि ये क्यों डिसअपीयर हुई, तो ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट शोन बाय द जुंटा ऑफ LTC, दैट इज लंदन ट्रेड काउंसिल। अच्छा,
अब आपके पास, ये तो हमने बात कर ली कि जो बर्थ ऑफ ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुआ था वो मैनचेस्टर में 1868 में हुआ था, ये हमने बात कर ली, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पार्ट टू में देखेंगे। बाकी यहाँ पे ट्रेड यूनियन पार्टिसिपेशन थी पॉलिटिकल इलेक्शंस में, ट्रेड यूनियंस ने जो है वो पार्टिसिपेशन करना भी स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम है ब्रिटिश लेबर पार्टी। इसके बारे में भी हम पार्ट टू में ही बात करेंगे। तो ये दो चीजें थी जी, वो उनके हम पार्ट टू में बात करेंगे अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना है। एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसका नाम है न्यू यूनियनिज्म। इसे पहले वाला जो पीरियड था जिसका नाम था न्यू मॉडर्न यूनियनिज्म, और इसका क्या है, मिडल हटा दो तो जो बचा न्यू यूनियनिज्म, द पीरियड ऑफ 1880 से 99 का जो पीरियड है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। पहले वाला जो था, तो इसका सबसे पहला फीचर, इसका जो एक पर्पस था, इरादा जो था वो क्या था, सोशलिस्ट सिस्टम लाना और कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिमूव करना, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम की जगह किसको लाना, सोशलिस्ट सिस्टम को, ये पहला इसका गोल था। दूसरा कि वर्किंग क्लास में सॉलिडेरिटी लाना, एकजुटता लाना, मतलब ठीक है, यूनिफाइड करना उनको, क्योंकि वर्क जो ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर हम बना रहे थे पहले ना, तो वो एक उनके में सॉलिडेरिटी नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, क्योंकि वो अलग अलग ऑक्यूपेशन की थी तो अलग अलग यूनियन बन गई थी। अब क्या है, उन्होंने बोला कि हम जैसे ट्रेड्स यूनियनिज्म में बना था कि एक बहुत एक वन बिग यूनियन बनी थी जिसमें कि सारे लोग डिफरेंट ट्रेड्स के जो वर्कर्स थे वो इकट्ठे होकर एक यूनियन बना रहे थे, तो वैसे ही तरह की एक वर्किंग क्लास सॉलिडेरिटी, एक जुटता यहाँ पे बनाने का एम था, ठीक है। कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिमूव करना था सोशलिस्ट के साथ, और अनस्किल्ड वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना था, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाले जो पीरियड था उसमें हमने पढ़ा था कि सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स को ही मेंबर बनाने का जो था वो ओपन था मेंबरशिप के लिए, बट यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए भी ये ओपन था। और साथ में बस यही आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक लंदन डॉक स्ट्राइक हुई थी 1889 में, जो कि टर्निंग पॉइंट था फॉर न्यू यूनियनिज्म। अब ये क्यों टर्निंग पॉइंट था ये हम देखेंगे अभी, बट ये आपको इसका नाम याद रखना है कि जो लंदन की जो डॉक स्ट्राइक हुई थी वो कब हुई थी, 1889 में, 1889, बस ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और इसके कुछ जो तीन से चार ऊपर फीचर्स है जो मैंने आपको बताए उसके बारे में याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो हमने ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो हमने अभी बात की ऊपर की, ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, जिसके बारे में हम पार्ट टू में करेंगे, 1868 में जो बनी थी उसको, कि कौन गवर्न करेगा, उसको कौन नॉमिनेट करेगा, तो उसके लिए जो न्यू यूनियनिज्म और जो ओल्ड यूनियनिज्म थी उसके बीच में लड़ाई हुई, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि कौन इसको नॉमिनेट करेगा। बट फिर बाद में जो आपके पास न्यू यूनियनिज्म थी वो सक्सीड हो गई इसके डोमिनेशन को लेके, कि बाद में रिजल्ट यही आया कि जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसको डोमिनेट कौन करेगा, ये जो आपके पास न्यू यूनियनिज्म बनी ये वाले ही करेंगे। क्यों, बिकॉज ये जो ओल्ड यूनियनिज्म, अच्छा ओल्ड यूनियनिज्म क्या होता है, ये न्यू मॉडल यूनियनिज्म का ही नाम है दूसरा, ओल्ड यूनियनिज्म, क्योंकि जब नया यूनियनिज्म न्यू यूनियनिज्म टर्म आई तो फिर ये जो न्यू मॉडल यूनियनिज्म जो था इसको दूसरा नाम दे दिया गया ओल्ड यूनियनिज्म, बिकॉज कोई कंफ्यूजन कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो माइंड में, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया ओल्ड यूनियनिज्म, ठीक है। तो फिर ये जो ओल्ड यूनियनिज्म था ये फिर थोड़ा सा इसके माइंड में कन्वर्जन आ गई, ग्रेजुअल कन्वर्जन हो गई इसकी टू दी सोशलिस्ट आइडियाज, क्योंकि ये जो न्यू यूनियनिज्म थी ये किसके ऊपर फोकस थी, कि हम सोशलिस्ट सिस्टम को लेके आएंगे कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ की जगह, ठीक है। तो ये भी इन्होंने माना कि हाँ यार सही है कि सोशलिस्ट सिस्टम ही होना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस को डोमिनेट करो, इसको गवर्न करो, ठीक है। कौन गवर्न करो, न्यू यूनियनिज्म को गवर्न कर। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसको गवर्न कौन करता है, तो न्यू यूनियनिज्म, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा तो फिर जो लेबर पार्टी बनी थी, ये जो लेबर पार्टी अभी बनेगी वो किसके रूल्स के ऊपर चलेगी, वो चलेगी न्यू यूनियनिज्म के रूल्स के ऊपर, ठीक है। तो जो ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी वॉज डोमिनेटेड बाय आइडिया ऑफ स्टेट एक्शन, नेशनलाइजेशन, सोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लेबर पार्टी, ठीक है, जो कि एक व्हीकल की तरह काम करेगी फॉर पॉलिटिकल पावर लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि लेबर पार्टी के बारे में हमने पहले ही बताया था कि ये क्यों बनाई गई थी, ताकि हम पार्लियामेंट में जाके अपने लिए फेवरेबल लेबर लॉस बना सके, कुछ कंट्रोल आ सके हमारे हाथ में। सो दीज आर दी सम फीचर्स ऑफ दी ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी अब लास्ट सेकेंड लास्ट स्लाइड है ये, कि जो लेबर पार्टी का जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि 1868 में बनी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो कि 1893 में बनी थी, सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन और फेबियन सोसाइटी, इन सभी ने मिलकर 1900 में लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी का गठन किया,
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो क्वेश्चन ये है कि लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी का जन्म कब हुआ, 1900 में, ठीक है। और इसी का ही नाम बदल के आफ्टर 6 ईयर्स इसी का ही नाम बदल के फिर बाद में लेबर पार्टी रख दिया गया 1906 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लेबर पार्टी कब बनी थी, 1906, जिसका कि पहले क्या नाम था, लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी। तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। और तीसरी क्या चीज याद होनी चाहिए कि इसको जो बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो कौन कौन थी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन और फेबियन सोसाइटी। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनके आपको नाम याद नहीं रखने हैं, तो ये अगर आपको नाम यहाँ पे आएंगे तो ये याद रखने हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बनी थी, 1893 में, ये भी याद रखना। और जो लेबर पार्टी वो कब बनी थी, 1906 में। क्लियर हो गया। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। एक टाफ्ट वाले केस हुआ था, ठीक है, जो कि जिसमें कि एक्चुअली क्या हुआ, जो रेलवे मैन थे ना, रेलवे वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह करना शुरू कर दी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ उन स्ट्राइक्स में। और उस डैमेज तो फिर वहाँ पे उनके ऊपर केस चला कोर्ट में कि ये जो एम्प्लॉयर्स ने उनके ऊपर केस किया कि जितना भी लॉस हुआ, डैमेज हुआ ये स्ट्राइक्स की वजह से, इनका जो है वो लॉस आप भरोगे, वर्कर्स को बोला कि आप भरोगे। बट कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया वो इनकी फेवर में ही आया, रेलवे वर्कर्स की फेवर में। और उसकी वजह से फिर एक एक्ट बना, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1906। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1906 कब बना था। ये 1906 में बना था आफ्टर द टाफ वैले केस, जिसमें कि बोला गया, जिसमें ये बोला गया कि जितना भी स्ट्राइक से लॉस होगा वो ट्रेड यूनियंस नहीं भरेंगी, उनको रिलीफ मिल गया, ठीक है। दे आर ग्रांटेड टू रिलीफ टू द ट्रेड यूनियन फ्रॉम एनी डैमेज लॉसेज फ्रॉम स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक से कोई भी डैमेज या लॉस होगा तो उसके लिए ट्रेड यूनियन कोई भरपाई नहीं करेगी। ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1906 में आफ्टर द टाफ वाले केस जो है वो डिसीजन लिया गया। तो इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। और बाकी ऑसबर्न जजमेंट में क्या कहा गया, ऑसबर्न जजमेंट में फिर दोबारा से WSV ऑसबर्न ने, जो कि ब्रांच सेक्रेटरी ऑफ अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट थे, उन्होंने फिर से उसको वही थोड़ा सा अपोजिट दे दिया कि बोला कि जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको कोई हक नहीं है कि वो पॉलिटिकल एड लें या पॉलिटिकल जो आपके पास लीडर्स हैं उनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प लें, उसको बिल्कुल उन्होंने इलीगल कर दिया। तो यही इसमें कहा गया था। तो इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट टाफ्ट वाले केस का ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1906, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्राइक्स के जो लॉस होगा उससे ट्रेड यूनियन को कोई भरपाई नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। सो गाइज, अच्छा ये भी रह गया, दिस इज द लास्ट, सॉरी। यूनियन डेंसिटी क्या होती है, ये छोटा सा आपको टर्म याद रखनी है बिकॉज आ जाती है कई बार एग्जाम में। तो यूनियन डेंसिटी क्या होती है, तो वो होती है द रेट ऑफ यूनियन मेंबरशिप इन रिलेशन टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जनरल एक्सप्रेशन परसेंटेज। मतलब जितने भी यूनियन मेंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई यूनियन है ना, उसमें कितने मेंबर्स हैं, यूनियन के कितने मेंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय जितने टोटल एम्प्लॉइज है इंटू 100, इसको बोलते हैं यूनियन डेंसिटी, ठीक है। और आपके पास, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट जो आपके पास ये है, बोलते हैं कि जो नोटेबल फीचर है ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑफ ब्रिटेन का वो क्या है, कि बल्क ऑफ द मेंबरशिप इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू बिग यूनियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइन, कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो 1000 वर्कर्स है ना, ठीक है, ये 1000 वर्कर्स जो कि मेंबर है यूनियंस के, ठीक है, तो उन 1000 में से जो 800 या 900 होंगे ना, वो कुछ पांच ही ऐसी बिग यूनियंस के मेंबर होंगे। मतलब कि जो बल्क ऑफ द मेंबरशिप होगा, मतलब 1000 में से 900 यूनियन, बल्क ऑफ द मेंबरशिप जो होगा वो बहुत फ्यू बिग यूनियंस की मेंबरशिप होगी उनकी। मतलब जैसे 100 अगर कोई यूनियंस है तो उसमें से 5 यूनियंस में ही 900 जो मेंबर है वो कवर हो जाएंगे। तो ये यह इस लाइन का बोलने का मतलब है, ठीक है। तो ये दिस इज द नोटेबल फीचर था ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट का। सो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत ज़्यादा हो गया आज ना लगातार। तो यही था आज का ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट में हम इसके बारे में और ज़्यादा नहीं चलेगा, अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा ही चलेगा। तो यहाँ से आपको जो भी बताया समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो अब क्या कर सकते हैं ना, फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा, ज़रूर समझ आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन ग्रेट ब्रिटेन। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू ऑल।